आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। एलएनएस क्लब दून अलाइट द्वारा होटल कैलिस्टा में नव पदाधिकारी नियुक्त प्रवेश तथा स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस क्लब द्वारा एक निर्धन कन्या के विवाह हेतु आवश्यक सामग्री दी गई। 14 नवंबर बाल दिवस के उपलक्ष्य में 25 बच्चों के लिए टॉफी, खिलौने तथा पुस्तकें प्रदान की गई। 22-23 हमारा यह क्लब बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और हम आज यहाँ के इंस्टॉलेशन सेरेमनी में एकत्र हुए हैं। हम लोग समाज सेवा और शिक्षा में सहयोग सबका साथ लेकर के हम लोग समय समय पर कार्य करते रहते हैं और हमारी पूर्ण आशा है कि हमारा जो अलायंस क्लब दून लाइट है ये अपने नाम को पूरा रोशन करेगा। सबके साथ वाइफ्स हैं, बहुत टैलेंटेड लोगों के साथ जुड़ा हुआ हमारा ग्रुप, हमारा ये क्लब है और जो बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा है कि बहुत अच्छे से हम कार्य करें, लीड करें, यूनिटी के साथ हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं और एक समाज को हम संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों को लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, यानी कि अगर हम बहुत आराम में और बहुत सुखमय जीवन जी रहे हैं इसके बाद भी हमें लोगों को ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके साथ तत्पर होकर के खड़े रहना चाहिए, हमेशा उनके सहयोग के लिए, समाज के उत्थान के लिए हम लोग धरपते हैं। चेयरपर्सन एडवाइजरी मीनाक्षी मलिक। हमारा क्लब जैसे नूतन जी ने बताया है आज इंस्टॉल हुए हैं, ये ने प्रेसिडेंट बनी है, हमारा पूरा तैयार हुआ है, बोर्ड तैयार हुआ है और आज हम एक लड़की की शादी के लिए पूरा जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं हम दे रहे हैं और कल चिल्ड्रंस डे है, बच्चों को जो एनजीओ वगैरह उन बच्चों को भी हम लोग टॉयज एंड बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा एम यही है कि हम आगे भी सेवा कार्य ऐसे करते रहें, महिला आश्रम में जाते हैं, वृद्ध आश्रम में जाते हैं, जगह जगह जाके हम लोग ऐसे सेवा कार्य करते हैं, हमारा मेन मोटिव ही है।